काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त होने के बाद आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदिरा चौक स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और यहां जमकर हंगामा किया। काफी देर तक नारेबाजी की, उसके बाद मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी जमा हो गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और एक दूसरे को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच मैदान में पुलिस उतरी और पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ कोतवाली ले गई। इस दौरान कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी करने कोतवाली थाने भी पहुंचे। प्रदर्शन की सूचना को लेकर पहले से ही पुलिस मुस्तैद रही और प्रशासन की ओर से एसडीएम तथा पुलिस की ओर से सीएसपी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान काफी देर तक नारेबाजी और हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेता अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए हुए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपने हाथ में पोस्टर लिए थे। काफी देर हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस को कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाना पड़ा। जैसा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, इनको गिरफ्तार करके थाना कोतवाली में भेजा गया। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? लगभग 30-40 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कार्रवाई होगी? जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई की। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो सच देश की जनता के सामने लाया, उन चोरों को बचाने के लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री खुलकर सामने आ गए। आज जो राहुल गांधी जी पर कार्रवाई हुई है, देश के लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र पर काला धब्बा है, या कहे कि आज का दिन देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जिस तरह राहुल गांधी जी ने पीएम का फोटो अडानी जी के साथ जारी किया था, उसी का ये नतीजा है जो बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसे जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पे है, खंडवा में भी बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और इससे आगे भी जारी रहेगा घेराव। जैसा हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी का आदेश रहेगा, ऐसे प्रदेश में सारी सड़कों से लगा के पूरे ऑफिस, जहां भी कार्यालय, वहां घेराव किया जाएगा।